तो बिहार और यूपी के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी अग्निपथ योजना का विरोध हुआ है। सिर्फ बिहारी में नहीं और यूपी में ही नहीं हुआ, एमपी के ग्वालियर में प्रदर्शनकारी छात्रों ने रेलवे स्टेशन पर जमकर उत्पात मचाया है। और एक बड़ी कॉमन तस्वीर हर जगह से निकल करके सामने आ रही है, वो है रेलवे स्टेशन, जहां रेलवे स्टेशन पे पहुंच करके जमकर उत्पात मचाते नजर आए हैं। जो ट्रेन है उसके इंजन को कहीं फूंक दिया, पैसेंजर ट्रेन को जलाकर राख कर दिया, एसी कोच को जला दिया। बिहार यूपी के बाद ये मध्य प्रदेश की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। एमपी के ग्वालियर में प्रदर्शनकारी छात्रों ने रेलवे स्टेशन पर जमकर उत्पात मचाया। देखिए, तो देखिए बिहार की, यूपी की और मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाई हमने आपको। अग्निपथ योजना का विरोध हरियाणा तक भी हुआ। हरियाणा की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नारनौल में प्रदर्शनकारी और छात्रों के बीच में सीधी झड़प आपको सुनवाते भी हैं। पुलिस को नारनौल में लाठीचार्ज तक करना पड़ा, हुड़दंग इतना ज्यादा था, इतने ज्यादा ये आक्रोशित हो गए थे। देखिए किस तरीके से भागते हुए भी आपको नजर आ रहे हैं, पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा इन प्रदर्शनकारियों पर। हरियाणा के बाद अब थोड़ा सा फरीदाबाद की भी तस्वीर दिखाती हूँ। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो देखिए, इन दोनों एरिया की तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया है, ये सीधे पथराव की तस्वीर, ईंट पत्थर आपको सड़क पे नजर आ रहे हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से यहाँ प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। इतने ज्यादा नाराज है शासन प्रशासन से ये कि यहाँ प्रशासन को भी खदेड़ते नजर आ रहे हैं, उन पर भी पत्थरबाजी की गई है। फरीदाबाद बल्लभगढ़ एरिया की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रदर्शनकारियों ने कैसे पुलिस पर पथराव। और इस सरकार की स्कीम का सबसे ज्यादा विरोध अगर कहीं हो रहा है तो बिहार में। बिहार के लगभग हर जिले से तस्वीर सामने आई है। फिर वापस बिहार की तस्वीर आपको दिखाती हूं। लौरिया का ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक है विनय विहारी, जिनकी गाड़ी पर पहले हमला हुआ और उसके बाद उन्हें पीटा भी गया है। ये विनय विहारी को आप इस वक्त देख रहे हैं, किस तरीके से जो बीजेपी के लीडर्स है, जो विधायक है, वो भी टारगेट पे है प्रदर्शनकारियों के, क्योंकि बीजेपी की ही सरकार है। जिस सरकार ने यहाँ दिल्ली में फैसला लिया है, उस सरकार का विरोध, उसकी पार्टी का विरोध देश भर में हो रहा है। गाड़ी के शीशे कैसे टूटे हुए नजर आ रहे हैं, यहां लाठी डंडों से पत्थर से हमला कर दिया गया। और जैसे ही विधायक बीजेपी के हैं ये विनय बिहारी बाहर आए, उसके बाद पता चला प्रदर्शन के बीच में पहुंचे और हिंसक प्रदर्शन का ये भी शिकार हुए हैं, उसकी तस्वीर आपको दिखाएं। देखिए एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, ये कि जिस ट्रेन से सबसे ज्यादा छात्र और युवा रोजगार के लिए सफर करते हैं, आए दिन हमने देखा है तस्वीरें कि किस तरीके से ट्रेन में सफर करते हैं रोजगार के लिए, उस रेलवे को इतना ज्यादा नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें बिहार के लखीसराय की है, जहां ट्रेन को जलाया जा रहा है। ट्रेन की एक बोगी को बनाने में अब लगभग 2 करोड़ का खर्च आता है, आप समझिए सिर्फ एक बोगी को बनाने में इतना खर्च आता है। इसमें कोई 24 डिब्बे होते हैं, यानी कि हर डिब्बे में 2 करोड़ के हिसाब से इसकी बोगियों की कीमत हुई 48 करोड़ रुपए, और इसे प्रदर्शनकारियों ने कुछ मिनट में ही फूंक डाला, महज कुछ मिनट में आग लगा दिया और ट्रेन के डब्बे जितनी बोगियां थी उनको फूंक डाला। और इतने करोड़ों का नुकसान एक एक दिन में ये रेलवे को हो रहा है। ट्रेन की एक बोगी को बनाने में लगभग 2 करोड़ का खर्च आता है, कुल 24 डिब्बे होते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से 2 करोड़ के हिसाब से सिर्फ एक ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो 48 करोड़ रुपए सिर्फ उसकी बोगियों को बनाने में, इंजन अलग, इंजन का खर्च अलग, और देखिए कैसे मिनटों में खाक कर दिया जला करोड़ों की इस संपत्ति को। और बिहार के आरा में भी पैसेंजर ट्रेन को भारी नुकसान हुआ है। बिहार में अगर सबसे ज्यादा हिंसक विरोध कहीं हो रहा है तो बिहार के भोजपुर बेल्ट में और आरा से ये विरोध की तस्वीरें शुरू हुई थी, जिसके बाद अलग अलग जिलों में भी देखने को मिली है। भारी नुकसान पहुंचाया गया, इंजन और बोगियों को
जला दिया गया। अकेले इंजन की कीमत 20 करोड़ रुपए होती है, उसमें भी उसे कैसे आग के हवाले कर दिया गया। आपकी तस्वीरें देखिए, कैसे रेलवे ट्रैक पर भारी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। और आपको ये भी बता दें, पैसेंजर ट्रेन में अगर बात करें हम खर्च की, तो इसे बनाने 50 करोड़ का खर्च आ गया, उसे भी फूंक डाला गया है। अब वो पैसेंजर ट्रेन, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर उत्पात मचाया गया है और आग बुझाने की कोशिश भी की गई। लेकिन इन आग को देख करके अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा ये आग तेजी से फैलती चली गई है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जिलों के, राज्यों की तस्वीरें। और अब तस्वीरें आपको जो इस वक्त दिख रही हैं, ये बिहार की ही हैं, बिहार के नालंदा में है। ये तस्वीर देख लीजिए, इस्लामपुर की है, जहां रेलवे स्टेशन पर हमला किया गया। यहां देखते ही देखते ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया, उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर ट्रेन में आग लगा दिया गया है। बिहार के नालंदा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों की तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये नालंदा की है, राजधानी को फूंक दिया। और बिहार में सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे आगे भी है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बिहार के सासाराम की ये तस्वीर है, सासाराम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ किया गया। ये तस्वीरें उसी भारतीय जनता पार्टी की हैं, सासाराम के कार्यालय की, बीजेपी ऑफिस की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ऊपर, ये आपको लाल घेरे के भीतर इसलिए हम दिखा रहे हैं कि ये कैसे नीचे से पत्थर फेंके जा रहे हैं, कितनी ज्यादा संख्या है ये प्रदर्शनकारियों की, उन छात्रों की जो सरकार के इस स्कीम का लगातार विरोध कर रहे हैं। और अब निशाने पर बीजेपी इसलिए क्योंकि बीजेपी की सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला है दिल्ली से, जिसका विरोध अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। तो बिहार के सासाराम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई अग्निपथ योजना के खिलाफ। अब बिहार से बाहर निकल करके बात करें दूसरे राज्य की, तो झारखंड में भी विरोध हो रहा है। झारखंड के धनबाद में भी ये बवाल मचा हुआ है, यहां पर रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया गया है, उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। झारखंड के रेलवे ट्रैक पे किस तरीके से धनबाद में बैठे हुए थे, इसके अलावा सड़क पे कैसे छात्र बैठे हुए हैं, और लगभग हर किसी के हाथ में आपको डंडा नजर आएगा। पुलिस देखिए इन्हें पकड़ भी रही है प्रदर्शनकारियों को, क्योंकि कई प्रदर्शनकारी को अभी तक पुलिस पकड़ चुकी है। देखिए पुशअप, ये पुशअप किया जा रहा है, कुछ इस तरीके से अनोखा तरीका अपनाया गया ये विरोध दर्ज कराने का। तो तस्वीरें लगातार हर राज्य की आप तक पहुंचा रही हूं। झारखंड के बोकारो रेलवे स्टेशन पर ये हंगामा जो हुआ, उसकी तस्वीर भी आप देखिए। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की, पुलिस ने दर्जन भर से ज्यादा लोगों को यहां हिरासत में लिया है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जमकर उत्पात मचाया गया है। देखिए किस तरीके से पुलिस ने दर्जन भर से ज्यादा लोगों को यहां हिरासत में लिया है, क्योंकि इनकी संख्या देखिए आप सड़क पर संग्राम कर रहे हैं, ट्रैक पर बैठ करके रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों को अब यहां आग के हवाले कर रहे हैं। चलिए अभी तक हम बिहार की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, लेकिन अब बिहार से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि बिहार में तो इसका जमकर विरोध हो रहा है और विरोध बड़ा हिंसक हो रहा है। लेकिन बिहार के बाद अगर किसी राज्य का नंबर आता है जहां सबसे ज्यादा विरोध हुआ अग्निपथ योजना का, तो उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया है। यूपी के अलीगढ़ की ये हिंसक तस्वीरें देखिए, जहां पर रोडवेज की बसों में आग लगा दी गई है, राह चलती बस से लोगों को उतारा गया और उसके बाद यहां पर भी आग लगा दी गई है। ये तस्वीरें तो एक एक तस्वीर हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि देखिए आपके शहर में भी क्या हाल है। यूपी के ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीर देख लीजिए, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोगों को पुलिस ने खदेड़ा भी है, उसकी तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं। ये यमुना एक्सप्रेसवे है, यूपी का ग्रेटर नोएडा है, जहां प्रदर्शन कर रहे थे ये लोग, जिनको पुलिस ने खदेड़ा भी है। और लगभग तस्वीरों में आप देख रहे होंगे मुंह ढका हुआ है। जब किसी अच्छी चीज के लिए आप जमीन पर उतरते हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर मुंह को क्यों छुपाना, पहचान क्यों छुपाना अपनी। लेकिन इनको पता है जो तरीका अपनाया वो सही नहीं है, कार्रवाई हो सकती है, इसलिए मुंह ढक लो, पहचान में ना। सेना में भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना की आग रायबरेली में भी पहुंची है यूपी के। यहां लालगंज के गांधी चौराहे पर भारी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया, भाग रहे हैं हुड़दंग मचाते हुए। देखिए तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें सामने आई है, जहां पर लगातार पुरजोर विरोध इसका किया जा रहा है। अभी तो कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचाई है, लेकिन और भी कई तस्वीरें हैं जो आप तक अभी पहुंचाऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर मैं रुक रही हूं, मेरा राज्य मेरा देश जारी है। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे फौरन।